हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान लोक। तो आज हम इस चैनल में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की रिवर्स और जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। लेकिन गाइस, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ज़्यादा टाइम व्यर्थ न गवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी, जो हमारी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी की कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है। सतलुज नदी का संस्कृत नाम शतद्रु नदी है तथा वैदिक नाम स्तुद्रिन नदी। सतलुज नदी के पीछे एक कहानी भी कही जा सकती है कि सतलुज नदी जो है वो पाताल लोक से उत्पन्न एक नदी है। सतलुज का उद्गम स्थान है, उसको रक्षताल या राक्षसताल भी कहा जाता है, जो कि मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। राक्षसताल से सतलुज नदी जिस जगह पे हिमाचल में प्रवेश करती है उसको सिख किला का पास कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 6,608 मीटर अबव सी लेवल है, जो कि किन्नौर में पड़ता है। उसके पश्चात सतलुज नदी किन्नौर से होते हुए चौड़ा नामक जगह पे शिमला में प्रवेश करती है। उसके बाद सतलुज नदी मंडी में फिरनू नामक जगह में प्रवेश करती है और मंडी को डहर नामक जगह पे छोड़ती है। डहर नामक जगह पे सतलुज नदी ब्यास नदी के साथ मिलती है तथा नामक जगह पे सतलुज नदी बिलासपुर में प्रवेश करती है। बिलासपुर में जो सतलुज नदी है गोविंद सागर झील का निर्माण करती है। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि गोविंद सागर झील का नाम गोविंद सागर कैसे पड़ा। तो ये नाम जो है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे सरदार जी हरबंस सिंह सोमल, उन्होंने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में ये नाम इस झील को दिया था। उसके पश्चात गोविंद सागर झील से निकल के आगे भाखड़ा डैम का जो है निर्माण करते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि टोटल एनर्जी कैपेसिटी, तो जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी है हमारे भाखड़ा डैम की वह 1,325 मेगावाट। इसके पश्चात हम एक ट्रिक देखेंगे जो हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं सतलुज नदी के ऊपर, उसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जो है राक्षसी सरोवर के किनारे संजय नाथ की बस खराब हो गई शिमला शिमला से रामपुर के घने जंगल में। तो ट्रिक बहुत ही ईजी है, आप एक बार ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। तो जो राक्षसी है, राक्षसी क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया किसका, सतलुज का। राक्षसी मतलब राक्षता, सरोवर मानसरोवर, किनारे किन्नौर, संजय नाथ। तो संजय जल विद्युत परियोजना, संजय से हमने ले लिया संजय जल विद्युत परियोजना, जिसकी टोटल उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी, तो है हमारी संजय जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है, किन्नौर में है। दूसरा नाथ से नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 1,500 मेगावाट। और यहाँ भी हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग होने का श्रेय प्राप्त है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना को। तीसरी है बसपा जल विद्युत परियोजना, जिसकी कुल क्षमता है 210 मेगावाट। तो बसपा को हम कैसे याद रखेंगे, बस से, ये आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है बसपा जल विद्युत परियोजना बस से।
उसके बाद आता है खराब, तो खराब से हमारा बन जाएगा खाब, खाब जल विद्युत परियोजना। उसके पश्चात हमें तीन और जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि याद करनी रख पड़ेंगी, वो किन्नौर में ही है। एक है करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना, वह 1000 मेगावाट, चांगो यांगथांग जल विद्युत परियोजना एंड जांगी थोपन जल विद्युत परियोजना। ये सारी परियोजनाएं हमारे किन्नौर की थी, संजय जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, बसपा जल विद्युत परियोजना, खाप जल विद्युत परियोजना, करछम वांगटू, चांगो यांगथांग एंड जांगी थोपन। उसके पश्चात हम आते हैं रामपुर में, तो ट्रिक क्या रहेगी, शिमला से रामपुर के घने जंगल में, ठीक है। तो शिमला से रामपुर, रामपुर जल विद्युत परियोजना जो कि 412 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और गई से हम याद रखेंगे गानवी जल विद्युत परियोजना। अब एक बात और है यहाँ पे कि वहां पे हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक 22.5 मेगावाट का और एक 10 मेगावाट का, जो कि रामपुर में स्थित है। तो ट्रिक हमारी रहेगी राक्षसी सरोवर के किनारे संजय नाथ की बस खराब हो गई शिमला से रामपुर के घने जंगल में। चलिए हमारी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है चेनाब नदी। चेनाब की कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर है और ये हिमाचल की सबसे ज्यादा जल घनत्व वाली नदी। चेनाब नदी का संस्कृत में नाम आशिकनी नाम से जानी जाती है। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति जे ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है तथा यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी चेनाब नदी है, लाहौल एंड स्पीति में जो बारालाचा दर्रा है 4891 मीटर की ऊंचाई पे, जब वहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू होती है तो वो दो भागों में बंट जाती है, चंद्रा जिसको चंद्रताल कहते हैं एंड भागा। चंद्रताल है वो दक्षिण में है और भागा जो है उत्तरी दिशा में। जब दोनों तरफ से चंद्रा और भागा नदियां इकट्ठा होकर एक स्थान पे मिलती हैं, टांडी टांडी नामक जगह पे मिलती है, इन दोनों नदियों के संगम को चेनाब नदी कहा जाता है। चेनाब नदी टांडी से होते हुए पांगी नामक जगह पे चंबा में प्रवेश करती है और चंबा से ये नदी कश्मीर में बह जाती है। नदी के ऊपर जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो ट्रिक है लाहौल एंड स्पीति की आशिकनी चंद्रभागा ने अपनी थ्रोट पर छत्रु का टैटू बनाया तो उसकी सहेली रो पड़ी। लाहौल एंड स्पीति जहां से नदी जो है निकलती है आशिकनी, आशिकनी होगा इसका संस्कृत नेम, एंड थ्रोट एंड छत्रु। तो थ्रोट और जो छत्रु है वो हमारी दो जल विद्युत परियोजना है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, लाहौल एंड स्पीति की आशिकनी चंद्रभागा ने अपनी थ्रोट पर छत्रु का टैटू बनाया तो उसकी सहेली रो पड़ी। थ्रोट से हम ले लेंगे थिरोट जल विद्युत परियोजना एंड छत्रु से छत्रु जल विद्युत परियोजना जो कि 108 मेगावाट की है। इसी नदी के ऊपर टांडी नामक जगह पे एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका नाम टांडी है, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे चंबा में दो पावर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर और बने हैं जिनका नाम सेली एंड रियोली होगा। तो सेली को हम कैसे याद रखेंगे, सहेली, एंड रियोली जो 268 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसको कैसे याद रखेंगे, रो पड़ी। तो ट्रिक क्या रहेगी, लाहौल एंड स्पीति की आशिकनी चंद्रभागा ने अपने थ्रोट थ्रोट जल विद्युत परियोजना पर छत्रु छत्रु जल विद्युत परियोजना का टैटू बनाया तो उसकी सहेली सेली
454 मेगावाट प्रोजेक्ट रोपड़ी रियोली, जो कि 268 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तीसरी और महत्वपूर्ण नदी ब्यास, ब्यास का संस्कृत नाम विपाशा एंड वैदिक नेम अर्जिका। नदी की कुल लंबाई जो है 460 किलोमीटर है तथा हिमाचल में इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड जो कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4361 मीटर है। यह नदी मंडी में बजौरा नामक जगह पर प्रवेश करती है। मंडी से होते हुए ये कांगड़ा में मिल जाती है, लेकिन कांगड़ा में संधोवन नामक जगह में प्रवेश करती है। कांगड़ा के पश्चात ये नदी मिठल नामक जगह पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ब्यास नदी के ऊपर हमारी जो जल विद्युत परियोजना है उन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो उसकी एक बहुत ही साधारण सी एक ट्रिक है। तो ट्रिक है, विपाशा बसु ने अर्ज किया, तंग दर्रे पार कर कुल की पार्वती मलाला की लायन से लड़ने की पहल के लिए मंडीवासियों ने शान समझा। तो विपाशा बसु को तो आप जानते होंगे कि बॉलीवुड की एक महान अदाकार है, तो उन्हीं के नाम से हम याद रखेंगे कि जो विपाशा है वो ब्यास नदी का संस्कृत नाम है। कुल्लू, मंडी और कांगड़ा तीनों जिलों में अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल्लू में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है। पहली जो है वह पार्वती जल विद्युत परियोजना, दूसरी सैंज जल विद्युत परियोजना, तीसरी लारजी जल विद्युत परियोजना, मलाना जल विद्युत परियोजना एंड ए लायन जल विद्युत परियोजना। मंडी में है हमारी शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना जो है वो उहल खड के ऊपर बनी हुई है, जोगिंदर नगर के पास। लेकिन जो इसका पावर हाउस से पेनस्टॉक में वाटर थ्रो किया गया हुआ है वो ब्यास में जाकर मिलता है। दूसरी गौर करने वाली बात है कि जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, उन सभी में फ्रांसिस टरबाइन यूज हुई है। फ्रांसिस टरबाइन जो है वहीं पर ही यूज होती है जहां पे हमारा जो हेड होता है, वाटर हेड होता है, वो कम होता है। फ्रांसिस टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए जो है फ्रांसिस टरबाइन को यूज किया जाता है। उसके बाद बस्सी जल विद्युत परियोजना, उहल जल विद्युत परियोजना, पंडो जल विद्युत परियोजना। पंडो में जो है हमारा सिर्फ रिजर्वायर है। पंडो से डहर तक जो है टनल के थ्रू पानी जो है ले जाया जाता है, और डहर में 165 की 6 जेट्स लगे हुए, टर्बाइन लगी हुई है। आगे चलते हैं कांगड़ा। कांगड़ा में गज जल विद्युत परियोजना, पोंग जल विद्युत परियोजना, बिनवा जल विद्युत परियोजना एंड बनेर जल विद्युत परियोजना। तो कांगड़ा जिले की जो परियोजना है वो हमें याद करनी पड़ेगी। गज जल होगी, पोंग जल होगी, बिनवा एंड बनेर। कुल्लू और मंडी के लिए जो हमारी ट्रिक रहेगी वो रहेगी, विपाशा बसु ने अर्ज किया, तंग दर्रे पार कर कुल्लू की पार्वती मलाला की लायन से लड़ने की पहल के लिए मंडी वासियों ने शान समझा। विपाशा से हमारा ब्यास नदी का संस्कृत नाम आ जाएगा विपाशा। तंग दर्रा रोहतांग दर्रा, कुल कुल्लू, पार्वती से पार्वती जल विद्युत परियोजना, मलाला से मलाना जल विद्युत परियोजना, लायन से ए लायन जल विद्युत परियोजना। उसके बाद लारजी एंड सैंज, दो जो दो जल विद्युत परियोजना है वो रह जाती हैं, वो हम याद कर लेंगे। उसके पश्चात चलते हैं मंडी। मंडी में बसु से बस्सी जल विद्युत परियोजना, प से पंडो जल विद्युत परियोजना, हल से उहल जल विद्युत परियोजना, जो है रावी नदी। कुल लंबाई 158 किलोमीटर
किलोमीटर है। इसका संस्कृत नाम इरावती और वैदिक नाम पुरुषानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वैदिक नाम कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो जो रावी नदी है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, बादल तथा जो तांतगिरी हिमखंड है वहाँ से, और वहाँ से चंबा में, चंबा से खेरी नामक जगह में ये जम्मू एंड कश्मीर में जाकर मिल जाती है। तो इसके ऊपर जो जल विद्युत परियोजनाएं बनी है वो बनी है बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना, जो कि कांगड़ा में ही है। उसके बाद चंबा में चमेर 1, चमेर 2, बेरीसियोल, होली, हिबरा, मछेत्री, कुठे। इसे याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, ट्रिक रहेगी इरावती रवि से परेशान है, क्योंकि वह बड़ी भांग चंबा के होली में मच्छी कुबेर और बैर के साथ खाता है। इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है। परेशान मतलब पुरुषानी, जो कि वैदिक नाम आता है। बड़ी भांग जो है वो मराएगा बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना, होली होली जल विद्युत परियोजना। उसके बाद चलेंगे मच्छी मच्छेत्री जल विद्युत परियोजना, कुबेर से कुठेर जल विद्युत परियोजना, बैर से बैरास्यो जल विद्युत परियोजना। हमारी सबसे जो छोटी नदी है जो हिमाचल में बहती है उसका नाम है यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, लेकिन हिमाचल में नहीं दिल्ली में, काली नदी के नाम से, क्योंकि दिल्ली में जाके जो ये नदी है वो काली हो जाती है। तो ये जो है हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और खद्र माजरी नामक जगह पे सिरमौर में प्रवेश करती है। उसके पश्चात ताजेवाला नामक जगह पे ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। इसके ऊपर अभी तक काफ़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो इन प्रोसेस हैं, लेकिन अभी तक 3 परियोजनाएं जो है वो इस पे बन चुकी हैं, जिनको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक रहेगी, ट्रिक आपके सामने ही है, लेकिन मैं उससे पहले इनका एक बार नाम पढ़ लेता हूँ। जो जल विद्युत परियोजना है वो गिरी बांटा जल विद्युत परियोजना, दूसरी है रेणुका या भगवान परशुराम सागर जल विद्युत परियोजना, तीसरी रहेगी यमुना जल विद्युत परियोजना। तो इसकी ट्रिक रहेगी, यमुनोत्री की काली नदी में रेणुका सिर के बल गिरी। यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड, काली नदी मतलब कालिंदी, रेणुका रेणुका जल विद्युत परियोजना, गिरी गिरी बांटा जल विद्युत परियोजना, और तीसरा यमुना यमुना जल विद्युत परियोजना। इसी के साथ गाइस, ऐसी और ट्रिक्स जानने के लिए और हिमाचल प्रदेश जीके के एमसीक्यूज के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।